झाबुआ जिले के मेघनगर में जेके सीमेंट का वेयर हाउस गोडाउन मेघनगर के औद्योगिक क्षेत्र में है। कंपनी के अधिकारियों ने गोदाम से 19.35 मैट्रिक टन लगभग 6 लाख रुपए की राशि की सीमेंट की हेराफेरी होना बताया, जिसका आरोप कंपनी के वरुण गांधी द्वारा मेघनगर के रहने वाले युवक इंद्रजीत सिंह कर्णावत पर लगाया। मेघनगर पुलिस थाना में मुकदमा दायर भी करवा दिया है। वही मेघनगर में रहने वाले इंद्रजीत का कहना है कि मुझ पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद है। पुलिस ने इंद्रजीत पर IPC की धारा 406 में मामला पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ कर दी। वही इस मामले में जेके सीमेंट को लोड अनलोड करने की पोस्ट पर काम कर रहे इंद्रजीत का कहना है कि मुझ पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मेरी बेगुनाही के सारे पुख्ता सबूत एंट्री रजिस्टर में लिखित हैं। मेरे द्वारा माल कब कब कहां और किस ट्रांसपोर्ट के द्वारा दिया गया है, दोनों पक्षों के बयान लेकर फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। झकनावदा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। मैंने कोई भी धोखाधड़ी नहीं करी है। हमारे इसमें हमारा ऐसा है, जो भी हमारे एरिया सर्विस ऑफिसर है उनके ऑर्डर पे हम इधर उधर बाइक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर, जैसे ही और बेजिंग वगैरह भी सर के ऑर्डर पे ही होती है। मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सर जैसा बताते हैं वैसे ही बेजिंग होती है। और इसमें बेजिंग पेंडिंग का मैटर है, ना कि चोरी का। इसमें बेजिंग पेंडिंग करवा रखी है और सर चेंज हो चुके हैं आशीष जी शर्मा, वो अब उनके स्टेटमेंट से चेंज हो चुके हैं। और जैसा कि उन्हें ऑर्डर दिए थे वो सब ऑर्डर के मेरे पास एविडेंस से रिकॉर्डेड है। उन्हें जैसा मेरे को ऑर्डर देके बताया था, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है मेरे। इसमें मेरा कोई भी 1% भी इन्वॉल्वेशन नहीं है, सर के ऑर्डर पे सब कुछ हुआ। हमारा यहाँ पे जेके सुपर सीमेंट का डिपो है मेघनगर में, उसमें से 83.65 टन सीमेंट अफरा तफरी हो गई है। डिपो के अंदर स्टॉक शॉर्ट आ रहा है, उसके लिए हमने विवेचना की थी लेकिन हमें कुछ संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है। तो आज दिनांक को हमने FIR लॉन्च की है मेघनगर थाने के अंदर। जी जी, कितने का लगभग माल होगा? अनुमानित लगभग 5 लाख के आसपास का कीमत होती है उसकी। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है, आज हमने FIR लॉन्च की है, देखते हैं क्या रिपोर्ट आता है। नहीं, इसमें सीमेंट नहीं पकड़ी गई है। दरअसल विनोद गांधी जी है, ये रतलाम के रहने वाले हैं। इनके पास मेघनगर, अलीराजपुर आदि जगह का जो है जेके सीमेंट का इनके पास एजेंसी है। इसी के तहत जो है विनोद कुमार जी के द्वारा जो है एक इंद्रजीत उर्फ उदू पिता रमेश, ये मेघनगर के रहने वाले, इनको उसी गोदाम पर, मेघनगर के गोदाम पर कार्य के लिए रखा गया था। जेके सीमेंट से जो भी एजेंसी पर आती थी, गोदाम पर माल आता था, वो माल उसमें से जो है गोलू के द्वारा 83.65 मैट्रिक टन जो सीमेंट है, वो सीमेंट जो है इसकी अफरा तफरी की गई है। उसका उसके पास कोई हिसाब किताब नहीं है कि वो इतना मैट्रिक टन सीमेंट जो है उसने कहाँ दिया है। इस प्रकार उन्होंने जो है फरियादी वो कंपनी के साथ में जो है धोखाधड़ी कर उसके द्वारा जो है ये माल अफरा तफरी की गई है। इस संबंध में मेघनगर पुलिस के द्वारा संबंधित आरोपी के विरुद्ध जो है अपराध दर्ज किया जा रहा है, उसमें विवेचना की जा रही है।